ए सिल्लीपट मूर्ख यताइ छ के हेरिरा खुरुक्क खुट्टा डोक मेरो हिरो भन्छस् मामा आइनस् त कंस मामा होस् डोबी निकाल सारे भारतवासियों और नेपालवासियों को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है मैजिकल रिएक्शन। अगर आप मैजिकल रिएक्शन पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे वीडियो जल्द से आप तक पहुंच सके। और पोस्टर देख के आप लोग समझ गए होंगे, जी हाँ हर्ष जो दीर्घा का टीजर आ चुका है। जी हाँ, और मुझे इंस्टाग्राम पे काफी सारे लिंक भेजे गए थे कि आप इसका रिएक्शन करो। अगर आप लोग भी चाहते हैं मैं आपके भी मनपसंद वीडियो पे रिएक्शन करूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिंक भेज के बता सकते हैं और मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर थोड़ा लेट हो जाऊंगा तो माफ कीजिएगा। और बता दूं कि इस मूवी की जो एक्ट्रेस है वो नीता ढुमाना, जो मेरे फेवरेट है। मैंने बहुत साल पहले, 5-6 साल पहले यूट्यूब पे एक फिल्म देखी थी भूल भुलैया, मैं उनका फैन हो गया था और एक गाना था बड़ा पसंद आया था मुझे, आखई मनुहाई एक गाना था। एक गाना और था माया घर छू मलाई, ऐसा गाना था बड़ा अच्छा था। और बता दूं कि उस टाइम लोगों ने इतना नोटिस नहीं किया नीता ढुमाना को, लेकिन वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। और मैं जब अपने दोस्तों के साथ वो फिल्म देखता था, कई बार गाना देखता था, तो मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि यार ये बॉलीवुड लेवल की हीरोइन है, थोड़ी नेपाल की हीरोइन लगते भी नहीं है और उनका जो एक्टिंग का लेवल है ना वो एक बॉलीवुड लेवल का है। तो नेपाली फिल्म के हिसाब से वो बहुत एडवांस थी उस टाइम में। और अब जो एक टीजर आया है, बता दूं कि ये फिल्म में हरिहर अधिकारी हैं और प्रदीप है और ब्रह्मानंदम है। जी हाँ, ये फिल्म थोड़ी स्पेशल है। वैसे तो नेपाल में बहुत फिल्में आती हैं लेकिन ये उससे हटके स्पेशल इसलिए है क्योंकि देखो वैसे नॉर्मली अभी बारागांव ज्वाइंट साहब और छक्का पंजा 5 और ब्योली फ्रॉम मघेवली आई है, तो ये फिल्म एक तरफ हर्ष वो दीर्घा। जी हाँ, ये स्पेशल क्यों है इन फिल्मों से, ये इसलिए है कि इसमें जो विलन है ना वो साउथ के टॉप विलन है। जी हाँ, एक गजनी फिल्म देखी होगी आपने, गजनी फिल्म कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी, 2009 में आई थी और उस टाइम रिकॉर्ड बनाया था 100 करोड़ के क्लब में। पहली बार कोई हिंदी फिल्म आई थी और वैसे उसने 200 करोड़ से ऊपर कमाए थे लेकिन 100 करोड़ कोई पहली फिल्म थी जो जिसने कमाए थे। और पुष्पा, पुष्पा देख लो कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है, उसके विलन मेन विलन वो इस फिल्म में है। और जो सबसे अलग चीज है, सबसे ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए, इस फिल्म को देखने का नजरिया बदल दिया, वो है ब्रह्मानंदम, जो कि साउथ के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं और हर फिल्म में वही होते हैं। और बताऊं कि उन्होंने 20 साल के करियर में 626 फिल्में करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। जी हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है उनका सबसे ज्यादा फिल्में करने का। और शाहरुख खान इतने बड़े सुपरस्टार है, अक्षय कुमार सबसे ज्यादा फिल्म करते हैं, मिथुन चक्रवर्ती सबसे ज्यादा करते हैं, अमिताभ बच्चन, किसी का रिकॉर्ड नहीं है लेकिन ब्रह्मानंदम का है और उनको देख के हंसी आ जाती है। और वो इस फिल्म में है, नेपाली फिल्म में, तो नेपाली फिल्म में 4 चांद लग गए और यही एक वजह है कि एक नेपाली फिल्म को देखने का नजरिया बदल दिया इसने और यही वजह है जिससे ये फिल्म स्पेशल कहलाई जा रही है। और मैंने इसका गाने का भी रिएक्शन किया था। मैं बताऊं कि इसका गाने का जो वो था ना सिनेमेटोग्राफी, इतना औसम था, ऐसा लग रहा था कि कोई ये मतलब साउथ की या कोई बॉलीवुड की हाई बजट की करण जौहर की फिल्म का सेट है। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके। अभी जितनी भी फिल्में आई है, बारागांव आई है और छक्का पंजा आई है, मेघोली, ब्योली फ्रॉम मेघोली और ज्वाइंट साहब, इन सबसे हाई बजट की फिल्म मुझे ये लग रही है क्योंकि जो इनके जो विलन है, जो साउथ के विलन है, उनको लेने में ही मेरे ख्याल से इतने पैसे लगे होंगे कि वो जो विलन को लिए है ना, दो विलन है और एक ब्रह्मानंदम, तो मेरे ख्याल से इन लोगों ने इतना पैसा ले लिया होगा कि इतने में एक नेपाली फिल्म तैयार हो जाती है, इसीलिए ये हाई बजट फिल्म होगी। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हर्ष को दीर्घा ऑफिशियल टीजर। 1 2 3 एंड स्टार्ट। योजना मैले वर्षौं पहिले हेरिसकेको छु। ओ एउटै नक्षत्र, एउटै ग्रह, एउटै भाग्य। रेखा थापा क्या बात है यार, ये ना अनीता ढुमाना के हस्बैंड है, ये रियल, क्या बात है यार। ओ ब्रह्मानंद, ये सेट देखो यार, बजट देखो कितना लगाया हुआ है, ये yeah!
कैमरा देखो कैसे मूव हो रहा है यार। पुष्पा का विलन क्या चीज है यार भाई। क्या बात है यार। ओए 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 चिल्ली पट मुर्गा एता आइजा केरिला कुरुका कुटा डॉग मेरो हीरो बन्छस। ये सबसे स्पेशल है कंक्षा मामा होस तो भी निकाल। ओ हर फिल्म में थप्पड़ जाते हैं यार। 15 नवंबर को आ रही है। खत्म। इसी के साथ एक टीजर हुआ समाप्त। भाई ये नेपाली फिल्म कहाँ से है मुझे ये बताओ आप लोग। कहीं से भी नेपाली फिल्म नहीं लग रही है यार। चलो मान लेते हैं कि थोड़ा आजकल नेपाली फिल्म में भी क्या है कि साउथ स्टाइल में एक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कैमरा भी ऐसे मूव हो रहा है भाई। जो साउथ लेवल का जो कैमरा मैन है ना, उनके ऐसा कैमरा कोई चला नहीं सकता। बॉलीवुड में कोई 20 साल से काम कर रहा होगा ना, उनके तरह कैमरा मूव नहीं कर सकता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा काम हो रखा है यार कैमरे का है, उसका जो सिनेमेटोग्राफी है, और मैंने आपको जैसे कि बताया वो गाना उसमें देखो रंगोली, मतलब क्या ही यार, मतलब लग कहाँ से रही है भाई। ये नेपाली फिल्म की जो आज तक की मुझे सबसे महंगी फिल्म लग रही है भाई ये। और मैं सही बताऊं कि जो विलन है इसमें यार वो पुष्पा वाला, ठीक है, उसकी एक्टिंग देखो मारा खच 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 मार रहा है, एक्टिंग देखो है। और पुष्पा भाई, पुष्पा का विलन है, पुष्पा इतनी बड़ी हिट हुई है तो उसने फीस भी तगड़ी ली होगी भाई। मैं सही बता रहा हूँ, वो कम पैसों में तो आएगा नहीं वो, ठीक है। और हरिहर अधिकारी ने ही इसका स्टोरी भी लिखा यार, मतलब नाइस यार, मतलब कि नेपाल में ऐसा काम भी हो सकता है यार, ये कभी सोचा नहीं था मैंने। और टॉप विलन, और ये नहीं कि सिर्फ ब्रह्मानंद इसमें कॉमेडियन है, एक और है। और हरिहर दास जी, आपने बहुत गलत बात कर दी है, साउथ के एक्टर को यहाँ ला के इतने चपेड़े मार दिए आपने मुँह पे। मैं आपको बताऊँ कि ये जो ब्रह्मानंद जी है वो साउथ की फिल्मों में थप्पड़ खाते रहते हैं, और वही है उनका ना, वो अगर वो सीरियस रोल भी करेंगे ना तो हमें हंसी आ जाएगी। तो यार ये फिल्म तो ना ब्रह्मानंदम है जो, वो तो खैर उन्होंने तो ये सबसे अच्छा काम किया इस फिल्म में लेके आए वो। और मैं आपको बताऊं कि यार ये फिल्म ना बहुत चर्चाओं में जाने वाले, मुझे लगता है रिकॉर्ड ना तोड़ दे ये लोग नेपाल का। कई बार ऐसा होता है कि कोई टीजर आता है तो इतने हाइप पे नहीं होता, इतना कोई चर्चाओं में, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी बनी होती है तो धमाका कर देती है। और ये सिर्फ टीजर है भाई साहब, और ट्रेलर आएगा तो पता नहीं क्या ही करेंगे ये लोग। तो मुझे यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसका ट्रेलर का कि यार कब आएगा और मैं देखूँ। और एक चीज़ बता दूँ, अगर मैं पब्लिक में चला गया ना इसको रिएक्शन करने के लिए, तो कोई बंदा ये नहीं बोल सकता है कि ये नेपाली फिल्म है, क्योंकि सब तो इसमें भरे पड़े हैं, साउथ के विलन, साउथ के कॉमेडियन। तो यार भाई पब्लिक में जाना पड़ेगा, टीजर नहीं करूँगा, ट्रेलर जो है इसका मैं पब्लिक में ज़रूर रिएक्शन करूँगा, और मैं लोगों से पूछूँगा कि ये कहाँ की फिल्म है भाई। मज़ा आ गया। नीतू धुंगाना जी क्या खूबसूरत लग रही है, और हरिहर अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार। मैं इतना आपको जानता नहीं था, लेकिन मैं देखा तो आप तो ग्रेट हो यार, नेपाल के अच्छे मेकर में आपका नाम आना चाहिए आपका यार। मैं तो पहचानता नहीं था, खैर अब पहचानने लगूंगा मैं आपको। आपने एक लेवल और बढ़ा दिया नेपाल इंडस्ट्री का। तो भाई मुझे तो ये टीजर बहुत अच्छा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो चलो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, मिलता अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, माता पिता का, भाई बहन का, दोस्तों कपड़ों से, मेरा भी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इस वीडियो पर लाइक कमेंट, इस वीडियो को यार शेयर तो जरूर कर दें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि नेपाल में भी ऐसी फिल्में बन सकती हैं साउथ लेवल की, साउथ लेवल के हाई बजट एक्टर को लिया के नेपाली फिल्में बन सकती है। तो चलो मिलते हैं ऐसी अच्छी सी रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय नेपाल, जय भारत।